हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग के उन स्मार्टफोन के बारे में जिनको नए A40 अपडेट्स मिले हैं, सैमसंग के उन डिवाइसेस के बारे में जिनको नया सॉफ्टवेयर मतलब A40 वाली अपडेट मिली है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जो देखेगा। तो फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं हर रोज अपने चैनल पर ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं पहले अपडेट के बारे में जो कि मिला है सैमसंग गैलेक्सी A8 प्लस के लिए, जिसकी अपडेट की फाइल है यहाँ पे 497 MB के आसपास की, यानी 497 MB के आसपास की अपडेट की फाइल है। यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा मेंशन नहीं किया गया है, यहाँ पे सिक्योरिटी पैच भी यहाँ पे नहीं बताया गया है कि किस महीने का मिला है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी पैच यहाँ मिला है, लेकिन यहाँ पे नहीं बताया गया कि कौन सा मंथ का मिला है। तो बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। सैमसंग गैलेक्सी S10e के लिए यहाँ पे एक अपडेट मिला है, जिसकी अपडेट की फाइल है 128 MB के आसपास की, यानी 128 MB की अपडेट की फाइल है। काफ़ी अच्छी फाइल है यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी S10e के लिए, और इसमें फिंगरप्रिंट्स को यहाँ पे इम्प्रूव किया गया है, जो काफ़ी अच्छी अपडेट है। तो जाकर मैनुअली सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना तो अपडेट कर लेना। तो बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में जो कि मिला है सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस के लिए और S10 के लिए। तो यहाँ पे कंप्लीट S10 डिवाइस के लिए यहाँ पे अपडेट मिल गया है, यानी तीनों फ़ोन को सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस और S10e और S10 के लिए यहाँ पे अपडेट मिल गया है। तो S10e के लिए यहाँ पे S10 प्लस के लिए अपडेट मिला है यहाँ पे, जिसकी अपडेट की फाइल है यहाँ पे 129 MB के आसपास की। जैसे कि यहाँ पे आसपास की अपडेट की फाइल है, मतलब यहीं 130, 140, ये 129 यही थी अपडेट की फाइल। तो इसमें भी इन तीनों फ़ोन में भी यहाँ पे फिंगरप्रिंट में यहाँ पे कुछ इम्प्रूव करा गया है। तो जो भी है इम्प्रूव यहाँ पे अपडेट करने के बाद ही पता चलेगा, तो अपडेट कर लेना जाकर। तो यहाँ पर बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में जो कि मिला है सैमसंग गैलेक्सी A9 Pro। तो यहाँ पे इस फ़ोन में काफ़ी इतना अपडेट नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे अच्छी बात है कि सैमसंग गैलेक्सी A9 Pro में यहाँ पे एक अपडेट मिली है, जिसकी अपडेट की फाइल है यहाँ पे 50 MB के आसपास की। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ इम्प्रूव नहीं किया है, यहाँ पे सिक्योरिटी पैच को यहाँ पे इम्प्रूव कराया गया है, और ये नहीं बताया गया कि इस मंथ का इम्प्रूव कराया गया सिक्योरिटी पैच। तो बस वीडियो में ये जानकारी, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।